जमीन ओपन में, ये देखो यहां पर ईटा डाला जा रहा है, ईटा डाला जा रहा है, ये देखो इसमें है 27 अक्टूबर 2021, 27 अक्टूबर 2021 को इनको हमने इन्फॉर्मेशन दी थी, इंजीनियर को भी डाला इसके इंजीनियर लोगों को कि बताया कि बाबा इस चीज को आप बंद कर दो, फिर भी इन्होंने आज के डेट में 5 तारीख और 4 तारीख के पास, उसका भी मेरे पास एविडेंस है, अगर आपको चाहिए मैं एविडेंस दे सकता हूँ। जब इनको हमने बोलने के बाद भी अगर ये चीज़ कार्रवाई नहीं कर सकते तो यहाँ पर महानगर पालिका के अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी, ऐसा मेरा कहना। नमस्कार, मैं हूँ यूसुफ अली। इस समय हम मौजूद हैं नालासोपारा के प्रगति नगर में। यहाँ हमारे साथ में मनसे प्रगति नगर विभाग अध्यक्ष मंगले सैनिक मंगले सर मौजूद हैं। इनके बारे में आपको क्या बताऊं, ये जो नालासोपारा का प्रगति नगर का विकास है इसमें कहीं ना कहीं इनकी बड़ी भूमिका रही है। पिछले कुछ सालों में इन्होंने काफ़ी कुछ पाठ पुरावा किया है। यहाँ गटर हो, रोड का मुद्दा हो, गटर का मुद्दा हो, चाहे कई मुद्दे थे उस पर ऐसी नौबत तक आई थी कि इन्होंने उपोषण तक महानगर पालिका में बाहर किया, उसको करवा कर लिया। तो काफ़ी समय से अच्छा सामाजिक काम कर रहे हैं, मनसे पार्टी से जुड़ा हुआ है, जुड़े हुए मैंने आपको अभी बताया ही है। अभी हाल ही में एक विषय मैंने एक वीडियो थोड़े दिन पहले डाला था, उस वीडियो के मेरे उस वीडियो के ऊपर सबका ध्यान आपका गया होगा। एक डॉक्टर ने यह आरोप लगाया था, उसका कुछ गाला टूट रहा था तो कि मुझसे पैसों की डिमांड की गई थी और मैंने जब पैसा नहीं दिया तो तुड़क कार्रवाई होगी। मैं नहीं कहता हूँ कि डॉक्टर का आरोप सही है, लेकिन आरोप उन्होंने लगाया था कैमरे के ऊपर। तो ऐसा ही कुछ इनके क्षेत्र में आज हम सर्वे कर रहे थे, हमने कुछ देखा तो इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस काफ़ी यहाँ भी है और उनके ऊपर इनका पाठ पुरावा काफ़ी होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो उस डॉक्टर का आरोप है उस आरोप में कहीं ना कहीं ये नहीं बोल सकते सच्चाई है, लेकिन कुछ तो है। क्यों एक जगह कार्रवाई होती है और दूसरी जगह कार्रवाई नहीं होती है? तो हम मंगले साहब से बात करेंगे। मंगले साहब नमस्कार। नमस्कार, अपना परिचय आप एक बार पहले दीजिए खुद। नमस्कार, मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना विभाग अध्यक्ष सेंट्रल पार्क प्रगति नगर। मंगले भाई, आप जो है पिछले लंबे समय से यहाँ पर मनसे के लिए काम करते हैं, मनसे पार्टी के लिए और जनता की भलाई के लिए आपने कई मुद्दों पर जैसे गटर उस पर, तो आपने क्या क्या काम किया पहला शॉर्ट में उसके बारे में जानकारी? गए 2012 से यहाँ पर दो तीन बार टर्म कंडीशन में महानगर पालिका में नगर सेवक चुन के गए। यहाँ का विकास के लिए, यहाँ के विकास के लिए हमने वारंवार पत्रव्यवहार किया, यहाँ तक कि हमने 2016-17 के अंदर 5 दिन मैंने अमरोहण उपोषण किया कि यहाँ पर प्रगति नगर ऐसा एक सहनशीलता विभाग है कि वहाँ पर कोई भी ऐसी सुविधा नहीं मिल रही थी। तो हमने उस मुद्दे को हमने टारगेट किया कि यहाँ पर गटर होना चाहिए, दीवाबत्ती होना चाहिए, रास्ते बनना चाहिए और पानी का जलवाहिनी अंतर बिछा के लोगों को पानी मिलना चाहिए। तो उस विषय में वारंवार मैंने पत्रव्यवहार किया, यहाँ पर तक आज समझ लो कि यहाँ तक 99% यहाँ तक लोगों ने सपोर्ट के माध्यम से, लोगों के सपोर्ट के माध्यम से यहाँ तक मेरे माध्यम से, मैंने पत्रव्यवहार के माध्यम से आज 99% यहाँ पर लोगों का मैंने काम कर चुका हूँ। लेकिन एक तरफ जहाँ आपका सामाजिक काम दिखता है वहीं तरफ अब ये आरोप लगता है कि प्रगति नगर एक बड़े इल्लीगल बांधकाम का हब बन रहा है, तो उसमें आपने अपनी तरफ से क्या पाठ पुरावा किया कि उसको रोका जा सके? मनसे की एक भूमिका रही है कि मनसे लगातार अवैध बांधकाम को टारगेट कर रही है और अवैध बांधकाम हटा के नैसर्गिकता जो खत्म की जा रही है उसको हटाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। यहाँ पर भी नाले के ऊपर भी, गटरों के ऊपर भी बांधकाम है, उस पर क्या? यहाँ पर आरक्षित भूखंड सर्वे नंबर 56-57-58 31,787 स्क्वायर मीटर जगह ही पीजी प्लॉट, खेलने का मैदान 207, वाटर बॉडी के लिए आरक्षित नगर रचना विभाग ने माहिती अधिकार के अंतर्गत हमने हमको उत्तर दिया है कि ये जगह राखी भूखंड इसके लिए रखा गया है। उसके बाद भी मैंने पत्रव्यवहार किया है 2014 में, तो उसमें भी इसमें मेरे को माहिती मिला है कि यहाँ पर सर्वे नंबर 56-57 पे हम लोगों ने कोई भी ऐसे परमिशन नहीं दिया है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बने। फिर भी आज के डेट में यहाँ पर संबंधित अधिकारी के
अधिकारियों की मिलीभगत से यहां पर अनाधिकृत बांधकाम 31,787 स्क्वायर मीटर जगह के ऊपर अनाधिकृत बांधकाम पूर्ण हो चुका है। मतलब आपका कहने का मतलब 7 साल के लंबे पीरियड के आपके पास में माहिती है, उसके बावजूद यहाँ पर ऐसा काम हो रहा है कि जैसे उनको परमिशन सब बिना मतलब बिना पेपर का परमिशन दिया हुआ है। ऐसा कोई भी उनके पास लीगली परमिशन नहीं है कि वो लोग बांध काम कर सके, कि उन्होंने जबरदस्ती महानगर पालिका अधिकारियों को लेके उन्होंने ये सब बांध काम कर चुके हैं। अच्छा, जो मैंने अभी मेरे शुरुआत में कहा था कि डॉक्टर ने आरोप लगाया था कि उसको पैसे नहीं मांगे, इसके पैसे नहीं दिए, इसे तोड़ दिए, तो उस पर आपकी क्या राय है, उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, ये क्या है, ये जो आरोप लगाते हैं क्योंकि उनको मालूम है वो भूमाफिया है, उनको कैसा भी करके सामने वाले को टारगेट करना है और उनके ऊपर कोई भी विलंब डाले गए तो वो शांत बैठेंगे, लेकिन वो शांत बैठने वाले नहीं है। बिन बुरा के जो आरोप है वो उनके ऊपर जो लगाए हुए वो बोलता है खारिज है। लेकिन फिर भी दूसरी तरफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये भी सवाल बड़ा है ना। कार्रवाई जो अधिकारी जो मिली भगत है, इनके जो अधिकारी है उनके मिली भगत है। और रही ये हमारे है पत्र व्यवहार है, ये देखिए 8/12/2019 को मैंने डाला हुआ है, उसके बाद में ऑनलाइन तकरार है। जिस टाइम कार्रवाई काम चालू था 4/12/2021 को है, जिस दिन बांधकाम हो रहे थे उसके बाद में वापस दूसरे दिन 5/12/2021 को ऑनलाइन तकरार नोंद होने के बाद भी यहां के अधिकारी सहायक आयुक्त इंजीनियर ये लोग कार्रवाई नहीं कर पा रहे। कौन कौन भूमापे इसमें शामिल है? इसमें भूमापे है शंभू गुप्ता, जयलाल पांडे, विनोद दुबे है, संजय सिंह है, इतने सब भूमाफिया है, इनको संरक्षण है पूरा का पूरा। संरक्षण पूरा महानगर पालिका इनको संरक्षण दे रही है। अच्छा, अब जब आपकी अब तक कार्रवाई नहीं हुई है तो आगे क्या रणनीति क्या रहेगी और मांग क्या रहेगी आगे? अगर ये लोगों ने, मैंने उत्तर मांगा है उनसे कि आप कब तक इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, करने वाले हैं, नहीं करेंगे तो आने वाले दिन में महानगर पालिका कार्यालय के अंदर मेरा धरने आंदोलन रहेगा। तरीक भाई, आपके पास कुछ एविडेंस वगैरह ऐसा कुछ है जो आपने निकाला हुआ है अब तक, क्या कहीं पे महानगर पालिका में जब आपने फॉलोअप किया तो बताया था? मेरे पास एविडेंस है, आज इस फोटो पे देख सकते हैं, इस मोबाइल पे देख सकते हैं, जमीन ओपन थी, जमीन ओपन में ये देखो यहाँ पर ईटा डाला जा रहा है, ईटा डाला जा रहा है, ये देखो इसमें है 27 अक्टूबर 2021 को इनको हमने इन्फॉर्मेशन दी थी, इंजीनियर को भी डाला इसके इंजीनियर लोगों को कि बताया कि बाबा इस चीज को आप बंद कर दो, फिर भी इन्होंने आज के डेट में 5 तारीख और 4 तारीख के पास, उसका भी मेरे पास एविडेंस है, अगर आपको चाहिए मैं एविडेंस दे सकता हूं। जब इनको हमने बोलने के बाद भी अगर ये चीज कार्रवाई नहीं कर सकते तो यहां पर महानगर पालिका के अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी, ऐसा मेरा कहना है। तो ये हम बात कर रहे थे अभी सैनिक मंगले भाई सर से, और इन्होंने किस तरह से पूरा एक खाका बताया कि 2014 से ये फॉलोअप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अनाधिकृत बांध काम जो है वो दिन ब दिन फैलते जा रहा है। अब ये दुर्लक्ष कहाँ जाएगा महानगर पालिका का कि महानगर पालिका इस पर ध्यान नहीं दे रही है। एक तरफ जहाँ कार्रवाई होती है अच्छी चीज़ है, वो अच्छा मैसेज है, लेकिन वही कार्रवाई हर तरफ होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, नाला सुपारा से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।